Hello everyone, I am Sameer and welcome back to my channel Sam Tech City. आज का हमारा टॉपिक है रिट्रैक्ट यानी रिटर्न साइकिल, जिसमें हम आज पढ़ेंगे G98 और G99 के बारे में कि ये कोड क्या होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जब पता चल रहा है कि ये यूज हो रहे हैं किस लिए, रिटर्न साइकिल के लिए, यानी ये दोनों कोड हमारे यूज किसके लिए हो रहे होंगे, रिटर्न के लिए, यानी रिटर्न साइकिल, यानी इससे पहले कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा होगा। जब ऑपरेशन खत्म हो रहा होगा हमारा, कोई भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन जब खत्म हो रहा होगा तो हमारा टूल क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा प्लेन की तरफ रैपिड में। ओके, तो टूल हमारा क्या होगा, रैपिड मोशन में क्या होगा, रिटर्न हो रहा होगा। तो उस समय हम इन दो कोडों का यूज करते हैं रिटर्न कराने के लिए कि किस पोजीशन पे हमारा टूल जो होगा वो रिटर्न होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं G98 के लिए। किसके लिए, G98 के लिए। तो G98 में क्या है कि हमारा जो भी टूल ऑपरेशन कर रहा होगा तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो क्या होगा, रैपिड मूव करेगा। और कहाँ पे, इनटू जेड पोजीशन। ओके, इनिशियल जो जेड की पोजीशन होगी वहां पे क्या करेगा, वहां तक ये मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है G99। अब ये G99 भी क्या करेगा, रैपिडली मूव करेगा। और कहाँ तक मूव करेगा, ये हमने एक प्रोग्राम में R वैल्यू सेट कर रखी होगी, कहाँ R वैल्यू, तो वो इस वैल्यू तक की क्या करेगा, रैपिड मूव करेगा। ओके, इसको हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं कैसे होता है। ओके, एक प्रोग्राम बना दे रहा हूँ मैं, G43। यहाँ पे मैंने S की वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैंने Z की वैल्यू दे दी, यानी यहाँ पे मैंने एक इनिशियल Z की वैल्यू दे रखी है, सेट कर रखी है। फिर नेक्स्ट हमारा ओके, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, डिलिंग का ऑपरेशन जैसे यहाँ पे। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें मेरा क्या दे रखा है कि G43HZ। तो यहाँ पे हमने इनिशियल जो Z को सेट रखा है, यानी यहाँ से समझते हैं कि ये हमारा कोई कंपोनेंट है और यहाँ पे इसका Z जो होगा वो क्या होगा, 0, यानी 0.0, यानी यहाँ पे हमारी जो Z की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और वहाँ से हमें क्या ड्रिल कराना है, कितने एमएम पे, 6। ओके, यानी कोई ऑपरेशन हो रहा है ड्रिलिंग का जिसकी डेप्थ हमारी क्या, 6 दे रखी है, और ये हमारी वैल्यू कंपोनेंट के फेस पे दे रखी कितनी, 0। अब हमें कराना है ये Z5.0, यानी हमारा ये टूल है तो Z इसका यहाँ पे आ रहा होगा, यानी टूल जब यहाँ पे आ रहा था हमारा Z की वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पे हमारे Z की वैल्यू क्या है, 5। नेक्स्ट हमने यहाँ पे दे रखा R की वैल्यू 1.0, यानी कंपोनेंट से ऊपर एक R की वैल्यू होगी, ये हमारा क्या दे रखा, R, इसकी वैल्यू दे रखी 1.0। ओके, तो हमारे दो कोड थे, एक था G98 और एक था G99। ओके, तो G98 में मैंने क्या कहा था, G98 में हमारा जो टूल रिट्रैक्ट होके वापस आ रहा होगा वो कहाँ जा रहा है, जेड पोजीशन पे, यानी जेड की जो इनिशियल पोजीशन है वहां पे जा रहा है। और जब G99 यूज कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, हमारा R वैल्यू पे, यानी जो R वैल्यू हमारी सेट की थी उस पे जा रहा है। तो यानी इस प्रोग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है कि जैसे ही हमने G98 लगाया तो यानी ड्रिल यहाँ पे गया, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो हमारा टूल कहाँ वापस जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, रैपिड मूव करते करते हमारा किस पोजीशन पे चला जाएगा,
इस पोजीशन पे चला जाएगा, यानी टूल हमारा यहाँ पे आके रुक जाएगा। सेम इसी प्रोग्राम में हम G98 की जगह क्या यूज करते हैं, G99। जब हम G99 यूज कर देंगे तब क्या होगा, तो G99 यूज करेंगे तब हमारा ऑपरेशन हुआ टूल, इसके बाद रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ओके किस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, और इसी पोजीशन पे आके हमारा क्या होगा, टूल हमारा रुक जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, G98 और G99 का यूज कहाँ होता है, कैसे किया जाता है। तो ये हमारा यूज किस लिए किया जा रहा है, रिटर्न साइकिल के लिए, यानी जो भी ऑपरेशन होता है उसके बाद टूल को रैपिड मोशन देके हम लोग उसको टूल को ऊपर ले लेते हैं। ओके।